आज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसके तहत हमें जितने भी हमारे बच्चे जो रह गए हुए हैं 0 to 5 years के विदाउट वैक्सीनेशन या जिनकी डोजेस ड्यू हैं, और वैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनकी वैक्सीनेशन मिस हुई है, उन सबके लिए ये एक मिशन मोड में चलाया गया है। अदरवाइज तो ये रूटीन में वैक्सीनेशन होती है, लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन का मतलब ये है कि जो भी ये 7 दिन के लिए लगातार कंपेन चलेगी जिसकी शुरुआत आज हुई है, तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए है। जो भी बीमारियाँ, जानलेवा बीमारियाँ बच्चों की एज ग्रुप में होती हैं जिनसे बच्चों की जान जा सकती है, और एक छोटी से स्टेप से जैसे वैक्सीन लगाने से इनसे टोटली बचा जा सकता है, तो उसको एक मिशन के तहत शुरू किया गया है ताकि, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है ये। और हमने पूरे अपने एक हेडकाउंट सर्वे किया है, इससे पहले सभी ड्यू बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं और ये पोर्टल पे चढ़ाए जा रहे हैं, और सबका नाम हमने प्रेग्नेंट फीमेल्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और इसके अलावा जो बच्चे जिनको जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं या फॉर देट मैटर कहीं बाहर गए थे तो अब वापस आए हैं घरों में, तो उनके लिए भी इंटेंसिव कंपेन की गई है, सभी को अच्छे से जागरूक किया गया है इसके लिए। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को ये बोलूँगी कि 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये लगातार चलेगा, कोई भी बच्चा जिसकी कोई भी डोज मिस हुई है किसी भी कारणवश, वो हमारे हेल्थ सेंटर्स में आएँ और ये डोज अपनी वैक्सीन जो मिस हुई है उसकी डोजेज लगवाएँ। डोजेज की पूरी अवेलेबिलिटी है, हमने कोल्ड चेन मैनेज किया हुआ है, और ये एक मिशन मोड की तरह हम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे सांबा में कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे या कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल ऐसी ना बचे जिसको वैक्सीन नहीं लगी हो। अच्छा मैम, ऐसा भी है कि जैसे पोलियो ड्रॉप्स पड़ते हैं, डोर टू डोर होती है, कैंपेनिंग होती है, क्या इसका भी कोई प्रोसेस ऐसा है? ये डोर टू डोर नहीं है, लेकिन इसमें हेल्थ फैसिलिटीज में है, या फिर हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे बच्चे रह गए हुए हैं, और कोई दूर दराज का इलाका है जहाँ जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, अगर वहाँ पे कुछ लोग हमें ऐसे मिले, ग्रुप्स मिले बच्चों के, तो वहाँ पे हमने सेशंस आइडेंटिफाई किए हुए बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे हम लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। इसमें डोर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैडम ने खुद अवेयर किया हमें कि वो बच्चे रह गए हों जहाँ हम कहीं दूर जाएंगे, 1.5 साल के बाद जो वैक्सीनेशन होती है बच्चों के लिए, बच्चों की रिकवर करने के लिए कोई बीमारी ना जाए, उसे अवेयर करने के लिए 1.5 साल का इंजेक्शन हमने अपने बच्चों को लगाया, ताकि आने वाला और फ्यूचर इसका ब्राइट रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने इसकी। और आप क्या कहेंगे कि वैक्सीनेशन लगातार लगवानी चाहिए बच्चों? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि बाकी वालों को भी कहूँगा कि ना, जो बच्चे 5 साल के नीचे हैं उनको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, ताकि उनको आने वाली हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना बने।